नमस्कार दोस्तों, जानते हैं रविवार के दिन छुट्टी क्यों दी जाती है? तो आइए जानते हैं रविवार के दिन छुट्टी क्यों दी जाती है। दरअसल 10 जून 1890 को पहली बार रविवार को छुट्टी के रूप में स्वीकार किया गया। अंग्रेजी हुकूमत में मजदूरों को सप्ताह में लगातार 7 दिन तक काम करना पड़ता था। इसी वजह से उस वक्त के नेता नारायण मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों के लिए सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की मांग की, पर अंग्रेजों ने उनके इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और लगातार 7 सालों की लड़ाई के बाद उनके प्रस्ताव को अंग्रेजों ने आखिरकार मान लिया और सप्ताह में आखिरी दिन यानी रविवार को मजदूरों के लिए छुट्टी का दिन रखा गया और उसी से दिन से रविवार के दिन छुट्टी दी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।